दोस्तों चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन ये एक ऐसा पड़ोसी है जो हमेशा ही भारत पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है। कभी ये भारतीय सीमा पर अपनी हरकतें दिखाता है तो कभी अपने नकली सामान को भारत में बेचने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, हम इनके इस जाल में फंस भी जाते हैं और इनके नकली सामानों को खरीदते भी हैं। साथ ही चाइना अजीबोगरीब सामान बनाने में इतना आगे है कि उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। और आज इस कड़ी में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे आविष्कारों के बारे में जिन्हें देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इन्हें क्यों बनाया गया है। तो मैं हूँ आपका दोस्त दक्ष और आप देख रहे हैं अमेजिंग टॉप 5। नंबर 1, किसिंजर। दोस्तों चाइना की भागदौड़ भरी जिंदगी में वहाँ के नागरिकों के पास इतना समय नहीं रहता कि वो अपने हम सफर को समय दे सकें, क्योंकि चाइना में लोगों को काफी काम करना पड़ता है। और इसका हल निकालने के लिए चीन ने आविष्कार किया है एक ऐसे गैजेट को जो आपके प्रेमी का एहसास आपको वर्चुअली कराता है। और इस गैजेट का नाम है किसिंजर, जिसे एक ऐप की सहायता से चलाया जाता है। और इस ऐप पर दोनों व्यक्ति वीडियो चैट करते हुए एक दूसरे को किस कर सकते हैं। और इसे इस्तेमाल करने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि इस गैजेट को इस्तेमाल करने से बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है जैसा असल में किस करने से होता है। नंबर 2, रोलिंग अलार्म क्लॉक। चाइना ने इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को समय के प्रति पाबंद बनाने के लिए एक ऐसा आविष्कार किया है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आमतौर पर सुबह अलार्म बजने पर आप उठते हैं और अलार्म बंद करके सो जाते हैं, लेकिन इसी का हल निकालने के लिए चाइना ने ऐसी घड़ी बनाई है जो आपके हाथों में आए बिना तब तक अलार्म बजाती रहती है जब तक आप बेड से उठकर खड़े नहीं हो जाते और इस घड़ी को बंद नहीं कर देते। दोस्तों वैसे क्या आप कभी इस घड़ी को ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट जरूर करें। नंबर 3, वजीना अलार्म क्लॉक। दोस्तों अगर आप पिछली घड़ी को देखकर चौंक गए हैं तो आप जरा देखिए इस आविष्कार को जिसे लड़कियां इस्तेमाल करती हैं और उन्हें जल्दी उठाने के लिए इसका आविष्कार किया गया है। इस घड़ी को वजीना अलार्म क्लॉक के नाम से जाना जाता है। इस क्लॉक में महिलाएं अलार्म सेट करके अपनी पैंटी के अंदर डाल लेती हैं और समय पूरा होते ही ये अलार्म वाइब्रेट होने लगता है। और चीनी आविष्कारकों का ये मानना है कि ये अलार्म घड़ी बहुत ही कारगर है। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है इस वाहियात आविष्कार के बारे में? कमेंट जरूर करें। नंबर 4, नाइस बॉल। दोस्तों चाइना ने आविष्कारों के मामले में सभी हदों को पार कर रखा है। अब जरा इस आविष्कार को ही देख लीजिए जिसे महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस गैजेट के आविष्कारकों का ये मानना है कि ये गैजेट महिलाओं के स्ट्रेस को मिटाने के लिए बनाया गया है। जब भी महिलाएं किसी बात से परेशान होती हैं या स्ट्रेस में होती हैं तो वो इन बॉल्स को दबाकर स्ट्रेस कम कर सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आप भी ये समझ सकते हैं कि ये बॉल किस तरफ इशारा कर रही हैं। आखिर अब चाइना के आविष्कारकों ने इस आविष्कार को सिर्फ ऐसी ही आकृति क्यों दी, ये आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 5, यूलिन फेस्टिवल। दोस्तों आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसा जो आविष्कार तो नहीं है लेकिन बेहद ही घिनौना और शर्मनाक काम है। यह है एक ऐसा त्योहार जिसे चीन में मनाया जाता है और इस फेस्टिवल का नाम है यूलिन डॉग फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में हजारों कुत्तों को सिर्फ उनके मांस के लिए मार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। यूलिन फेस्टिवल चाइना में हर साल मनाया जाता है और यहाँ पूरे देश भर के अलग अलग कोने से कुत्ते बिल्लियों को पकड़ा जाता है और उन्हें इस फेस्टिवल पर पकाकर लोगों को परोसा जाता है। और साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ घूमने आने वाले लोग इन्हें खाते भी हैं। दोस्तों आपका क्या मानना है इस बेतुके चाइना के बारे में? कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।